सहायक शिक्षक भर्ती 2023, विषय गणित, एकदम सटीक उत्तर हल सहित। ये प्रश्न 81 क्वेश्चन है। केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपए में 3 केले कम उपलब्ध है। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर है। तो यहाँ पर देखिए, एक दर्जन मतलब 12 केला का क्या करना है, ज्ञात करना है कीमत। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, तो पहले एक केले का निकालेंगे तो एक केले का वर्तमान मूल्य हो जाएगा मूल्य बटे मात्रा गुणा प्रतिशत वृद्धि बटे 100। तो मूल्य कितना दिया है, 7.8 बटे मात्रा कितना दिया है आपका, ये 3 केला गुणा प्रतिशत वृद्धि कितना दिया है, 30% बटा 100। तब ये हो गया आपका, देखिए ये 7.8 है, दशमलव हटाएंगे तो 78/10 हो जाएगा और यहाँ से तो वैसे ही है। अब इसको आप कटा देंगे तो यहाँ से देखिए ये 10 या 30 होगा और ये ऊपर का 30 कट जाएगा, तो 78/100 रुपये एक किले का वर्तमान मूल्य है। तो 12 किले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 78/100 गुणा 12। इस प्रकार इसको 78 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 936। नीचे में 100 है, 20 है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 9.36 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, देखिए 0.08 गुड़ा 0.01 गुड़ा 0.0072 भाग में है 0.12 गुड़ा 0.0004। यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाते हैं तो ये 8 हो जाएगा, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद अगर 3 संख्या है तो 3 बार 0। फिर गुड़ा वैसे ऊपर का 1 को लिखेंगे, फिर दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, 2 संख्या है 2 0 लिखेंगे, ये 72 को लिखेंगे, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 4 संख्या है तो 4 बार 0। भाग का भाग इसको भी वैसी 12 लिखेंगे, दशमलव बदले 1, 2 संख्या है तो 2 0। फिर इसको 4 को लिखेंगे, दशमलव बदले 1 और 4 संख्या दशमलव के बाद तो 4 0। अब यहाँ पर देखिए इसको पूरा वैसी उतार दिया हूँ, यहाँ पर भाग को क्या बदला, गुणा में, ध्यान दीजिए यहाँ भाग है, भाग को गुणा में बदलते हैं, इधर का नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, तो 100 ऊपर गया, 12 नीचे, 10,000 ऊपर गया, 4 नीचे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको कटा देना है, यहाँ से देखिए ये 100 से 100 कटेगा आपका, ये 10,000 से 10,000 कटेगा और उसके बाद आपका हो जाएगा ये 12 एकम 12, 12 छक्के 72 और 4 एकम 4 और 4 गुनी 8। तो यहाँ से देखिए क्या बचा, ये 6 गुनी 12 और नीचे में 1000, तो 3 0 है, 3 संख्या पाद दशमलव होती है, 12 है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.012। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। फिर अब प्रश्न 83, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है उसके द्वारा तय वास्तविक दूरी। देखिए 10 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 14 में 10 के 4, अंतर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या कर रहा है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 20 किलोमीटर अधिक चल रहा है उसको आपको लिखना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 किलोमीटर, एक घंटे का निकालेंगे, 4 का 20 में भाग देंगे, 4 × 5 = 20, मतलब एक घंटे में गाड़ी कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, तो इस 5 का गुणा इस 10 में करेंगे तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इससे इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण मतलब पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे बटा वाला नहीं आना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले जो प्रश्न दिए उसको आपको कटाना है, वह इसी को लिखा हूँ यहाँ पर, तो देखिए कट जाएगा यहाँ से आपका, देखिए ये 7 एकम 7, 7 * 3 = 21, उसके बाद ये 3 और 3 कट जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से 5 एकम 5, 5 * 3 = 15, 2 एकम 2, 2 * 4 = 8, यहाँ से देखिए ऊपर में 3 और नीचे में 10 * 4 = 40, तो कितना बचा, 3/40, ये 3/40 आ गया। अब क्या करना है, इसमें जोड़ने पर, तो मान लीजिए हम इस 3/40 में एक जोड़ने पर पूर्णांक को मान लेते हैं, एक एक पूरा अंक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, एक्स का मान निकालेंगे 3/40 पक्षांतर के तो माइनस हो जाएगा, फिर 40 एकम 40, 40 में 3 = 37, तो 37/40 सी इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, यदि x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है, तो
औसत में याद रखेंगे जैसे एक दो तीन चार पाँच ठो है, इसको देखिए पाँच ठो, तो बीच वाला उसका औसत होता है, औसत या समांतर माध्य, तो उसी को आपको लिखना है, बीच वाले को लिखना है x प्लस चार बराबर ग्यारह, क्योंकि औसत पहले से 11 दिया है, तो x का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का माइनस, तो ग्यारह में चार गया सात, तो अंतिम तीन को लेना है, अंतिम तीन कौन कौन सा है, तो अंतिम तीन है आपका ये x प्लस चार, x प्लस छः, x प्लस आठ, x का मान इसमें रखेंगे तो सात प्लस छः, सात प्लस छः, सात प्लस आठ, ये हो गया ग्यारह तेरह सात आठ पंद्रह, तो फिर से इन तीनों का औसत बोले थे, औसत में बीच वाला औसत होता है, बीच में क्या है तेरह, तो ऑप्शन बीस का राइट आंसर। फिर दिया है अगला प्रश्न, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 16.4, लड़कियों की 15.4, तब ये हो जाएगा लड़कों की संख्या व लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें क्या करना है लड़के लड़के लिखने हैं, तो लड़के का दिया है 16.4, लड़की का दिया है औसत 15.4, और टोटल जो छात्रों का औसत है 15.8 उसको बीच में रखना है, तो ये 16.4 से 15.8 को ये घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6, 15.4 से ये 15.8 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 0.4, तो 0.4 0.6 मतलब 0.5 हट जाएगा, तो 4 और 6 बचेगा, तो 4 में 6 उसको घटाएंगे, 2 दूनी 4 दो दिया 6, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात ये दिया है 8:125, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है 1^3, तो वैसे इसको करना है, तो 8 को हम 3 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकते हैं, 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2^3 अनुपात 5^3 होगा, तो मतलब 2:5 इसमें बचेगा, यही क्या है इसका भुजा है, ये मतलब भुजा, तो सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है भुजा गुणा भुजा, तो 2^2 = 5, तो 2 × 4 = 5×5=25, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है भुजा और सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाएगा संभवतः विलोपित हो जाएगा। फिर दिया है प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से भुजा में 25% की वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो जैसे कि यहाँ से क्या हो जाएगा 25% वृद्धि, वर्ग है वर्ग द्विविमी होता है, याद रखना है टू डायमेंशन, इसलिए उसको दो बार आप भुजा का 25 है दो बार लिख सकते, 25 + 25 + 25 × 25 इसी में रखना है बटा 100, तो 25 से गुणा करेंगे 625, नीचे में दो शून्य है तो दो संख्या बाद दशमलव लगाते हैं, ऊपर में तो 6.25 होगा, और 50 और 6 56.25%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। फिर दिया ये अगला प्रश्न, तीन पुरुष या पांच महिला दिया है, इसको आप याद रखना है तीन पुरुष या पांच महिला, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप याद रखना है इसको, जैसे कि ये 3m, m मतलब मेल, f मतलब फीमेल बराबर 5m, यहाँ से आप m का मान निकालेंगे, तीन इसके नीचे आ जाएगा 5m/3, ये किसका मान हो गया m का मान, यहाँ दिन कितना दिया है 43, फिर दूसरा कंडीशन है पांच पुरुष और छह महिला रहेगा तो कितना दिन लगेगा, इसको आपको बनाना है ऐसे m2 करके लिख लेना है और इसको m1 मान लेना है, m2 5m हो जाएगा, चूँकि और बोला है इसलिए प्लस लगेगा, यहाँ पर या बोला था इसलिए बराबर किए हैं, क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5m + 6f, m के बदले इसको रखना है 5m/3, ये 5×25f/3 + 6f, यहाँ से आपका हो जाएगा ये त्रिगुणा होगा 6×3 = 18f हो जाएगा, 25f + 18f जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 43f/2, इसको 43f/3 m2 मानना है, अब इसमें आपको फार्मूला लगाना है कौन सा m1 d1 m2 d2, इस प्रकार लगाना है m1 मतलब ये d1 कौन सा था 43, d2 हमको ज्ञात करना है, m2 का मान यहाँ से रखे हैं 43f/3 और m1 का मान 5f आया, तो 5f आया कहाँ से, ये शुरुआत आपको देखना है, यहाँ से m1 माना हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ f वाले को रखना है 5f, तब यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये 5f/43, यहाँ से 43 और 43 कट जाएगा, f और f कट जाएगा तो इसमें 5 बचेगा, d2/3 तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5 × 15 तो d2 मतलब 15 दिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर दिया है देखिए गाय व कौवा दिया है,
तो क्या है, पैर जो है सिर के दोगुने से 14 अधिक है। तो यहाँ पर आपको मान लेना है पैर को x और सिर को y। तो गाय का जो पैर होता है 4 पैर होता है इसलिए 4x, कौवा का 2 पैर होता है इसलिए 2y, सिर दोनों का एक एक होता है इसलिए x प्लस वाई, फिर दो गुना बोला है प्रश्न में ना, तो गुणा दो 14 अधिक, अधिक मतलब प्लस होता है 14। यहाँ से ये तो वैसा ही है, 2 को गुणा x में करेंगे 2x, 2 को गुणा y में करेंगे 2y प्लस 14। यहाँ से देखिए 2y और 2y कट जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 में 2 गए 2x बराबर 14, x बराबर 2 का भाग देंगे 14 में तो 7। तो x हम किसको माने थे, गाय को, तो यहाँ से हो जाएगा गाय को आप x माने थे और कौवा क्या माने थे y, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से याद रखना है पैर और सिर को नहीं माने आपको, गाय को x मानना है, कौवा को y मानना है, क्लियर है, इस प्रकार आपको देखना है। यहाँ फिर दिया, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया है, एक अकेला एक काम को 16 दिन में और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए से शुरुआत कर यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करने पर यह कार्य पूर्ण होगा। तो क्या करना है आपको, ए और बी ऐसे लिखना है, 16 को यहाँ लिखना है, 12 को यहाँ लिखना है। अब ये सब प्रश्न में नहीं दिया है ना, 16 और 12 बस दिया है। अब देखिए कैसे होगा, तो 16 और 12 का पहले लघुत्तम निकालेंगे, तो 16 और 12 का लघुत्तम होगा 48, तो 48 को यहाँ लिखना है। अब 16 से 48 को भाग देना कितना आएगा 3, 12 से 48 को भाग देंगे कितना आएगा 4, क्लियर हुआ। अब देखिए इसका एक दिन और इसका एक दिन, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 2 दिन, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 2 दिन बराबर 7 कार्य। यहाँ पर आप इसको जमा के लिख लेंगे, 7 कार्य को पहले 2 दिन को बाद में, एक कार्य का निकालेंगे 7 इसके नीचे तो 2/7 दिन, इसलिए हमको 48 कार्य का निकालना है, जो 48 लघुत्तम आए उसका, तो 2/7 गुणा 48, तो 48 दूनी 96/7, इस प्रकार इसका 13 से ही 5/7 आएगा, 13 से 3 95 5 96, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर दिया है 92, यहाँ से दिया आपका दो संख्याओं का योग 55 दिया है और उनका महत्तम समापवर्तक 5, लघुत्तम समापवर्तक 120, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है। तो महत्तम समापवर्तक 5 है, लघुत्तम 120। यहाँ पर देखिए जो महत्तम समापवर्तक होता है उसी से पहली संख्या दूसरी संख्या निकलता है, तो पहली संख्या 5x मानेंगे, दूसरी संख्या 5y, तो फिर प्रश्न में बोला है दोनों का योग 55, तो 5x और 5y को जोड़ेंगे तो 55 आएगा, दोनों में से 5 कॉमन निकाल दिए तो x प्लस वाई बचेगा, 5 55 के नीचे आएगा तो 5 11 55, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 11। अब व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, इसको 1/5x करेंगे प्लस 1/5y, व्युत्क्रम का योग बोला है मतलब जोड़ना, फिर 1/5 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 1/x प्लस 1/y, तिरा गुणा करेंगे तो y प्लस x/xy, ऐसे गुणा करना है इस प्रकार। तो यहाँ से देखिए ये y प्लस x को x प्लस y हो गया, नीचे में 5 है तो 5xy इतना करना है, तो x प्लस y के बदले आप क्या लिख सकते हैं ऊपर में 11, और 5xy के बदले लिख सकते हैं 120, क्योंकि याद रखना है जो संख्या होता है संख्याओं का गुणनफल ही उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक्स वाई दिया है तो 5xy बराबर कितना हो जाएगा 120, तो जो एलसीएम दिया है वही 5xy का मान है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर 11/120। फिर दिया है 0.09 बार गुणा 7.3 बार, इसको शॉर्टकट याद रखना है, ये 9 को आपको लिखना है। अब देखिए इसमें दशमलव बदले 1, 2 संख्या है 2 शून्य, 100 हो गया, तो 100 में से 1 घटा देने कितना बचेगा 99। अब इसको देखिए यहाँ 7 को लिखना है, 3 को लिखना है, अब यहाँ दशमलव बदले 1 लिखना है, 1 तो संख्या है तो 1 शून्य, 10 है, 10 में से 1 गया 9, याद रखना इसमें 99 कैसे आया, इसमें 9 कैसे आया। अब यहाँ से हो गया 9 * 9 = 9, 9 = 99, इसको कटा देना है तो 1/11 होगा, यहाँ से इसका ऐसे होगा 9 * 63, 63 = 66/9, 3 से कटाएंगे 3 * 2 = 6, 3 * 2 = 6, 3 * 3 = 9, 11 * 11 = 12, ऊपर में 2 नीचे में 3 और भाग देंगे 0.6, तो 6 बार बार आएगा तो 0.6 बार ए इसका राइट आंसर। फिर दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, इसमें 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, विक्रय मूल्य का अनुपात है,
इस प्रकार इसको लिखना है, मान लेना है क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 4% लाभ और 6% लाभ, तब यहाँ से लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पहला, ये क्या हो जाएगा 104% लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 104x/100, 6% लाभ हो रहा है, तो दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 106x/100। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है, 104x/100 अनुपात 106x/100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 104 अनुपात 106, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो 52 अनुपात 53 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, x का 10% y के 20% के बराबर है। तो x का 10% मतलब x गुणा 10/100, y का 20% मतलब y गुणा 20/100, बराबर बोले बराबर। तो देखिए नीचे से 100 और नीचे 100 कट गया, तो x गुणा 10 बराबर y गुणा 20, तो x हो गया y इसके नीचे में आएगा, तो 10 इसके नीचे, मतलब y को इधर लाए 10 को इधर लाए, पक्षांतर किए, तो ये क्या हो गया, 1 × 1 शून्य कट जाएगा दोनों में से, तो 2:1 इसका राइट आंसर। फिर दिया है 8 संतरे का क्रय मूल्य दिया है 34 रुपये, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो 8 संतरे क्रय मूल्य 34 रुपये। फिर 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया, तो बेचना मतलब विक्रय, तो 12 संतरे का विक्रय मूल्य 57 रुपये, तो उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, बेचना मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर संतरा अलग अलग है, तो उसको एक जैसे करेंगे, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 और 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24, इसको समान करने के लिए इसको गुणा किया, इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, इधर 2 तो इधर भी 2, तो 8 + 3 = 24 और 34 + 3 = 102, 12 × 2 = 24 और 57 × 2 = 114। तो देखिए 24 संतरे का क्रय मूल्य हो गया 102, 24 संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 114, यहाँ से इसको घटाएंगे 114 में से 102, तो कितना हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया 12 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 रुपये लाभ हो रहा है। जब 12 रुपये लाभ हो रहा है तो संतरा कितना है 24, तो 1 रुपये का लाभ होगा तो संतरा कितना होगा, तो 12 का भाग देंगे 12 × 2 = 24, मतलब 1 रुपये में 2 संतरा आएगा, तो 45 रुपये में कितना संतरा, 45 × 2 कितना हो जाएगा 90, तो 90 जो संतरा है ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर दिया है 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत ये सिंपल है, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, तो क्रय मूल्य मतलब ये 6 हो जाएगा, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 4, तो 6 − 4 / विक्रय 4, तो 6 में 4 = 2, 2/4 × 100, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50% सी राइट आंसर। फिर दिया है अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्या है, तो योग बोला है 2490, एक को मानना है x और दूसरे को मानना है 2490 - x, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए x और x कट जाएगा तो आखिर कितना आएगा 2490 आएगा, तो 2490 आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ से ये प्रश्न बोला है 1 का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के, तो ये हो जाएगा 1 × 6.5/100, दूसरी संख्या है 2490 - x गुणा 8.5/100, तो नीचे का 100 और ये नीचे का 100 कट जाएगा, 1 × 65, 6.5 है 65 × 10 हो जाएगा, दशमलव बदले एक, एक संख्या बदले 100 में, 2490 - x ये 8.5 है वो 85/10 हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया, देखिए नीचे का 10 और नीचे का 10 कट गया, तो 65x बराबर इसको वैसे लिख देना है, अब क्या होगा इसको 5 से कटा देना है, 5 × 13 = 65 और 5 × 17 = 85, यहाँ पर 17 बचा यहाँ पर 13, अब क्या होगा 17 को इसमें गुणा करेंगे तो 2490 और 17 गुणा करेंगे 42,330 और 17 और x का 17x, तो 17 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये 30x होगा, तो 30 का इसमें भाग दे देना, 30 का इसमें भाग देंगे ये कितना आएगा, देखिए यहाँ से 30 का भाग 0 कट जाएगा, 3 का भाग 4233 में, तो 1114 आएगा, अब 2490 में सॉरी 1411 घटाना है तो 1079, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर है
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति है। ध्यान देंगे अगर इसका जो दूरी सेम रहता है, दोनों में 160 दिया है, इसके लिए फॉरवर्ड ट्रिप होता है 2xy/x + y। यहां से क्या हो जाएगा आपका 2x के बदले आपको किसको लिखना है, चाल को लिखना है। कितना दिया है इसमें, 64 और 80 दिया है, 2 × 64 × 80 / 64 + 80। 64 80 जोड़ेंगे तो 144, 2 से कटाएंगे 144 को तो 72, तो 64 × 80 / 72 ये हो जाएगा 8 × 64 = 72। फिर ये हो जाएगा 8 × 64 = 840/9। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 71.1 आएगा, ऑप्शन सी। फिर है निम्नलिखित में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है इसको सबको पहले भाग दे देना है, चारों ऑप्शन में एक जैसे ही है, जो संख्या है वो भिन्न संख्या, बस उसको आगे पीछे किया है, और वही मतलब घटते क्रम, तो पहले इसको भाग देंगे। इसमें 0.5 आएगा, 7/11 का 0.63 आएगा, 8/15 का 0.5 और इसका 0.64। तो बढ़ते क्रम घटते क्रम में बड़े को पहले लिखते, 0.64 पहले आएगा, फिर 0.63 आएगा, इससे कम। अब ये दोनों एक जैसे, देखिए तो एक जैसे है, अभी समझ नहीं आ रहा है कौन छोटा कौन बड़ा, इसके लिए क्या करेंगे, 5/9 है और 8/15 है, तो नीचे को एक जैसे करना है, तो क्या करना है, 9 में 5 का गुणा करेंगे 45 और 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45। नीचे में 3 तो ऊपर भी 3, नीचे में 5 तो ऊपर में भी 5, यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5×25 = 45, 8×24 = 45। अब देखिए नीचे एक जैसे है तो 25 / 24, तो 25 बड़ा है, इसीलिए इसको पहले लिखेंगे, मतलब 5/9 को पहले लिखेंगे, 8/15 को बाद में लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि सी और डी पहले, ए और बी तो है ही नहीं, इसमें से सी और डी में कन्फ्यूजन है, तो सी और डी में तो डी इसका होगा क्योंकि दोनों में एक जैसे दिया है आगे पीछे, लेकिन तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर दिया है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। वर्ग का विकर्ण 20, तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है ए कर्णी दो, ए का मान निकालेंगे कर्णी दो इसके नीचे में, हर का परिमेयकरण करेंगे तो कर्णी दो को ऊपर नीचे लिख देना, कर्णी दो का गुणा करने पर 2 होता है, 2 × 2 = 20, 10 × 2 ए मतलब भुजा है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 ए, 4 × भुजा, तो 4 × 10 = 2 मतलब 40 × 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर दिया कर्णी 2 बराबर 1.414, तब कर्णी 2 माइनस 1 बटे कर्णी 2 प्लस 1 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो यहाँ से नीचे में आपको फार्मूला लगाना है a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कर्णी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर को वैसे ही लिख देना है, दोनों एक जैसे है तो कर्णी 2 माइनस 1 पूरे की घात 2, जैसे 2 × 2 को 2 / 2 लिखते हैं वैसे यहाँ से 2 और कर्णी कट जाएगा तो 2 बचेगा, 1 × 1 = 1, 2 में से 1 गया 1, अब नीचे का कोई काम नहीं है, कर्णी 2 का मान इसको आपको रखना है 1.414 - 1, अब इसको घटाएंगे कितना बचेगा 0.414। अब 0.414 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसमें वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल और कर्णी कट जाएगा, यही क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। फिर दिया है ये तो 103, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, जब भी ऐसा आएगा गुना वाला, इसका ट्रिक है गुना माइनस 1 × 100 बटे समय, तो गुना है 2, तो 2 − 1 × 100 समय दिया 16, तो बटे 16, 2 में से 1 गया 1, तो 1 × 100 / 16, 4 × 16, 4×25 = 100, ये हो गया 25/4, ये आएगा इसका 6 × 1/4। फिर दिया 1/2 / 1/3, ये हो जाएगा 1/4, परिमाप दिया है 156 त्रिभुज का, तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे पहले आपको याद रखना है ये 2, 3, 4 का आपको लघुत्तम निकालना है तो 12 आएगा, तो इसको कैसे करते हैं, 2 का भाग 12 में देंगे तो आएगा 6, तो उस 6 को ऊपर में गुणा, तो 6 × 6, 3 का भाग 12 में देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा ऊपर में 4 × 4, 4 का भाग 12 में देंगे 3, 3 गुणा ऊपर में तो 3, तो 6 × 4 = 3 आया,
नीचे को नहीं लिखना है, इसी को मान लेना है 6x 4x 3x। त्रिभुज का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ने पर कितना है 156। प्रश्न में पहले से दिया है परिमाप, तो 6 4 10 3 13 13x का मान निकालेंगे 13 नीचे में, 13 भाग 156 कितना आ गया 12। अब x का मान 12, तो ये सब में इसको गुणा करना है, 6x तो 6 गुणा 12, 4x तो 4 गुणा 12, 3x तो 3 गुणा 12, तो ये 12 छक्के 72, 4 12 चौक 48, 12 3 36, तो सबसे बड़ा कौन है 72, तो ऑप्शन सी 72 इसका राइट आंसर है। फिर ये एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइया समकोण पर होती है, 12 घंटे में 22 बार होता है, तो 24 घंटे में 44 बार, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए 44। फिर दिया है 106 का दिया है ए बराबर 0.1039, तो ये दिया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न विलोपित होना चाहिए, क्योंकि ये 3a वर्गमूल से अलग होना चाहिए, जैसे इस प्रकार होता प्रश्न तो ये थोड़ा बन जाता। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे में ये परेशानी होगा बनाने में, तो यहाँ से इस प्रकार रहता तो इसको बनाते। फिर है अगला प्रश्न आपका दिया है, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होता है, यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज आपको मिश्र धन दिया है 504 प्राप्त होता है, इसलिए मूलधन मान लेना है पी, तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये रखना है 504 माइनस पी हो जाएगा। दर दिया है 5%, समय 4 वर्ष, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ब्याज हो जाएगा आपका यहाँ से मूलधन कितना दिया पी गुणा दर 5 और समय कितना है 4 बटे 100, और ब्याज के बदले ये आपका यह ब्याज 504 माइनस पी, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20 और 20 को 100 से कटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ से इस 5 की दर इसमें गुणा होगा, तो 5 और 504 को गुणा करेंगे 2520, 5 और पी को गुणा करेंगे 5p, ये माइनस उल्टा हो जाएगा प्लस, 5 में से गया 6p, तो 6 इसके नीचे में, तो 2520 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 420। अभी उत्तर नहीं आए हैं, ये क्या है मूलधन है। अब आगे देखिए, अब मूलधन कितना हो गया 420, फिर से प्रश्न में दिया है 10% दर दिया है 10% और समय दिया है 2.5 वर्ष, मतलब इसको 5/2 लिख सकते हैं, 2 × 4 = 5/2, फिर से लगाना है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन 420, दर 10, समय 5/2, 100 पहले से है, 2 × 2 कट जाएगा, तो 42 × 5 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, तो 21 × 5 105 आएगा, तो 420 और 105 को जोड़ेंगे कितना आएगा 525 रुपये, ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, घन की भुजा दिया है, पेंट की लागत 3600 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा, यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 वर्ग मीटर सतह को पेंट किया जा सकता है। तो घन दिया है, तो घन की ये भुजा दिया है पहले से, यहाँ से देखिए घन का भुजा दिया है कितना, ये 2.5 मीटर, तो बाहरी क्षेत्रफल तो इसका होता है 6a² तो 6a का मान दिया है, मतलब भुजा 205, तो इसको दो बार लिखेंगे स्क्वायर है इसलिए, तो 25 25 625, 2 दशमलव है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, फिर 6 और 6 625 को गुणा करेंगे 3750, फिर 2 संख्या के बाद दशमलव, ये टोटल उसका क्षेत्रफल आया। अब कितना पेंट उसमें लगेगा, तो पेंट की मात्रा ज्ञात करना है, तो पहले से 1.5 वर्ग मीटर दिया है, 1.5 वर्ग मीटर कितना लगेगा 1 किलोग्राम, तो 3750 है 37.50, उसको 1.5 से आपको भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 375 बटे कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ से आपका देखिए इसको आप कटाएंगे, यहाँ से 37.5 ही लिख लेंगे, उसको कटाएंगे तो 25 किलोग्राम आएगा, चूँकि पेंट की लागत क्या हो जाएगा 3600 प्रति किलोग्राम है, तो 25 × 36 करेंगे 900 आएगा, ये क्या है इसका राइट आंसर। फिर दिया 109, इसमें दिया है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, तो 18 × 72 तो 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब जो लंबाई दिया है 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई है 110
32, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 242। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी है 242 और चाल है 20, इसको लिखना है मीटर प्रति सेकंड को। तो कटा देंगे दो से, दो दहम 20, दो दून 4, दो एकम दो दून 4, दो एकम 2, तो इसको एक संख्या के बाद 12.1 सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर दिया लास्ट सवाल, इसमें दिया है दो अभाज्य संख्या x तथा y, x बड़ा वाई का लघुत्तम समापवर्त 161 है, तो 3y-x का मान है। याद रखेंगे अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उनका LCM होता है, तो यहाँ पर x और y बराबर क्या हो जाएगा 161। 23 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, तो x बराबर 23 मानेंगे, y बराबर 7, क्योंकि प्रश्न बोला है x बड़ा है y से, तो 23 बड़ा है 7 से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब मान रख देना है प्रश्न में पहले से दिया 3y-x, तो 3 हो जाएगा, y का मान 7, x का मान 23, 7 से 21, 21 में 23 घटाएंगे -2 आएगा, ये इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार इसका एकदम सही सही, ये क्या है इसका सटीक उत्तर है।